जहां तक आरटीपीसीआर का सवाल है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। सेंसिटिव टेस्ट होता है, पर टेस्ट जो है वो डिपेंड करता वायरस अंदर आया था कि नहीं, एंटीजन यानी कि वायरस अंदर आया था कि नहीं, तो वायरस के रिएक्शन में जो वो रिएक्शन देखा जाता है। अगर वायरस अंदर आ चुका है तो वो पॉजिटिव रह सकता है वायरस के मरने के बाद भी, अक्सर 6 हफ्ते में वो चला जाता है, पर मैक्सिमम देखा गया अप टू 3 मंथ्स भी रह सकता है। तो आरटीपीसीआर दोबारा कराने का तो कोई मतलब ही नहीं है, अनलेस 4 महीने बाद आपको दोबारा कोविड के साइन आते हैं, अर्थात आपको कोविड की दूसरी किस्म की बीमारी लगी है। कोविड के 3-4 स्ट्रेन आ गए, एक स्ट्रेन पहले होके चला गया, उसके लिए आपको इम्यूनिटी हो गई, समझ लो आपको टीका लग गया, बीमारी हुई समझ लो टीका लग गया, वैक्सीनेशन हो गई, पर वो थी वैरायटी नंबर 1। अब वैरायटी नंबर 4 आ गई, आपको वो दोबारा हो गई, हो सकती है, तो आप करवाएं टेस्ट दोबारा आरटीपीसीआर, अदरवाइज दोबारा कराने का कोई फायदा ही नहीं है। नॉर्मली सिंपल रूल है, 3 दिन तक कोई बुखार ना आए और कोई सिम्टम ना हो, 3 दिन तक बुखार ना आए और कोई सिम्टम ना हो, यानी कि जबरदस्त दर्द खांसी वगैरह ना हो, और टोटल 10 दिन हो चुके हों बीमारी हुए कि जी मुझे आज से 9 दिन पहले खांसी जुकाम शुरू हुआ था और उसके बाद 4 दिन बुखार रहा और उसके 3 दिन बाद अब 3 दिन हो गए कोई बुखार नहीं है, पर ये बुखार और दर्दें बिना दवाई खाए हो कि जी मुझे 3 दिन से कोई बुखार नहीं आया पर मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं बिल्कुल फिट हूँ, कमजोरी है थोड़ी बहुत, और कुल मुझे 10 दिन हो चुके हैं, टोटल 10 डेज, लास्ट 3 डेज एब्सोल्युटली नॉर्मल, समझ लो आपकी कोविड खत्म हो गई। पर उसका ये मतलब नहीं कि अब आप बिना मास्क के बिना हाथ धोए बिना सब कुछ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा।